पे लिखा है इंटरनेशनल स्टूडेंट अपार्टमेंट, चाइनीज पे लिखा है लुए शुए संग गॉन गुए, मतलब इंटरनेशनल स्टूडेंट अपार्टमेंट, बिल्डिंग नंबर 5। सो हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों को मेरे हॉस्टल दिखा रहा हूँ, डॉम दिखा रहा हूँ जहाँ पे मैं रहता हूँ, जिस यूनिवर्सिटी पे मेरे हॉस्टल है वो दिखाने वाला हो। बाहर नहीं जाने वाला हो आज, एवरीडे बाहर जाना अच्छा नहीं लगता है। सो चले आगे, चले दिखाते हैं आप लोगों को मेरे डॉम दिखाते हैं। ये गेट है, मतलब ये हॉस्टल अंदर जाने के लिए गेट है, हॉस्टल के एंट्री लेने के लिए। और यहाँ पे जो है सिक्योरिटी रहता है यहाँ पे। और ये वाला नया, मतलब इंटरनेशनल स्टूडेंट अपार्टमेंट, यहाँ पे ओनली इंटरनेशनल रहेगा, चाइनीज स्टूडेंट नहीं रह सकते यहाँ पे। बट ये अभी भी ओपन नहीं हुआ इंटरनेशनल के लिए, हो रहा है, धीरे धीरे होगा, अभी कुछ दिन बाद होगा। बट ये जो देख रहा है, इस पे लिखा है इंटरनेशनल स्टूडेंट अपार्टमेंट, चाइनीज पे लिखा है लुए शुए संग गॉन गुए, मतलब इंटरनेशनल स्टूडेंट अपार्टमेंट, बिल्डिंग नंबर 5। ये 6th फ्लोर तक है, देखिए इतना लंबा है टोटल। सो इस पे अभी सारा स्टूडेंट नहीं आया, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट आर कमिंग ऑन फेब्रुआरी, वी आर जस्ट फ्यू स्टूडेंट हियर राइट नाउ। सो ये चले अंदर चलते हैं, आगे दिखाते हैं। यहाँ पे भी वो सिक्योरिटी रहता है, वो हीटर है, किसी का पैकेज आया हुआ है, ऑर्डर दिया हुआ था। ये है हमारा, ये जो ऊपर लाइट देख रहे हैं, थोड़ा हल्ला होने में ही लाइट आ जाएगा। आ गया ना, जैसे कि बस आवाज़ होना चाहिए। यू नीड सम मेक नॉइस, द लाइट विल बी ऑन ऑटोमेटिकली। ये किसी का रूम है। 101 पे आई का मैनेजर जो होता है, मतलब बॉस होता है, वो रहेगा। ये पाकिस्तानी का रूम है। चले आगे दिखाते हैं। ये मेरे दोस्त का रूम है, ये इंडियन है, ये भी इंडियन है, तो बात करते हैं। Hey, where is Nawaz? बाथरूम पे। Hey, Nawaz, क्या कर रहा है? कर लो टट्टी गंडो। ये भी मेरे दोस्त का रूम है। चलते हैं अंदर, थोड़ा दिखाते हैं। सो रहा है सारा अभी। ये भी सो। ओए अभी फुटबॉल खेलने नहीं जाना है? सो रहा है अभी। ये पाकिस्तानियों का रूम है, मेरे रूम के बस बराबर ही है। ये रूम पे नहीं है, किचन पे है। अभी मुझे बुला रहा था, नहीं जाने वाला हूँ मैं अभी। यही है मेरे रूम 110। सो लेट्स इंटर द रूम। यही है मेरा छोटा सा कमरा, लाइट दे देते हैं। इस पे हम सामान वगैरह रखते हैं, जूता का वो कवर्स है। उसके बाद इस पे जूता वगैरह रखते हैं, अंदर है और कुछ बाहर भी है दो तीन। इस पे क्या रखा है ड्रायर पे, वो हेयर ड्रायर है। उसके बाद यही है मेरे रूम, पानी का वो है, फिल्टर है। ये मेरे रूममेट का है, एम्प्टी बॉटल्स है। यहाँ पे मेरे रूममेट का सामान वगैरह है। इसका ये बेड है, ये मेरे बेड है, मेरे टेबल है, ये यही मेरा बेड है। यहाँ पे कपड़ा वगैरह रखता हूँ। देखिए अंदर मम्मी नहीं है, कौन रखेगा इतना अच्छा से, माँ होता तो रखता, हमसे ना हो पता है। ये मेरे विंडो छोटा सा, यहाँ पे डस्टबिन फेंकते हैं, ब्रूम है, ये झाड़ू लगाते हैं, और जूता वगैरह है। कपड़ा भी सुखा रहा हो दो। आउटसाइड व्यू देखिए रूम के, बाहर देखिए थोड़ा।
ये सारा जो आगे हॉस्टल देख रहे हैं ये सारा चाइनीज लोगों का है, यहाँ पे इंटरनेशनल अलाउ नहीं है। और हमारा जो बिल्डिंग है इसमें चाइनीज अलाउ नहीं है। देखिए आजकल हॉलीडे जा रहा है इसलिए इतना साइकिल स्कूटर स्टॉक हो गया। लाइटर भी है, मेरे रूममेट सिगरेट पीता होगा शायद, हम तो नहीं पीते भाई। या माई एसी, व्हेन आई फील लाइक कोल्ड आई पुट इट ऑन, बट मोस्टली माई रूम इज वेरी हॉट बिकॉज दे पुट हीटर ऑन हियर, टू हीटर इन बोथ साइड। एक यहाँ पे भी है, कपड़ा शपड़ा भी रख दिया कभी कभी ऐसे ही है। और एक इस तरफ भी है, एक इस तरफ भी है, बट इन समर वी नीड दिस एसी। ठंडा पे इतना नहीं चाहिए क्योंकि हीटर है दोनों साइड पे, बट ये समर पे तो ये ज़रूरत है, मस्ट भी है ये रूम को ठंडा रखने के लिए। बाथरूम भी दिखाता है थोड़ा, ये मेरे डाटी सा बाथरूम, गीजर है ये, साफ वगैरह है। नहीं जहाँ पे कपड़ा धोता वहाँ पे भी ले जाते हैं, थोड़ा दिखाते हैं कहाँ पे हम कपड़ा धोते हैं। पहले तो इंडिविजुअल वॉशिंग मशीन दिया करता था, आजकल नहीं देता है, आजकल शायद उन लोगों का खर्चा ज़्यादा हो रहा है इसलिए हम लोगों का सब मिलके कुछ दे दिया, वहाँ पे धोना पड़ता है। चलो वहाँ पे भी ले जाते हैं, दिखाते हैं वहाँ पे भी। वेयर वी वॉश आवर क्लोथ, लेट्स गो दिस साइड, आई विल शो यू दिस। ये भी है, यहाँ से भी जा सकते हैं, ऊपर जा सकते हैं, 6 फ्लोर तक जा सकते हैं, बट नहीं जाना वाला हो कोनो स्टेयर्स पे ऊपर जाएगा कोनो भी। ये मिरर है। सो फाइनली हियर वी वॉश हियर आवर क्लोथ एवरीथिंग, किसी ने धो रहा है, यू कैन सी दैट स्टिल राइट, इट्स ऑलमोस्ट डन, 3 मिनट लेफ्ट, आफ्टर 3 मिनट इट विल बी डन, लाइक हो जाएगा। मतलब ये खाली पड़ा है, बस ओनली 2 यूज़ हो रहा है हमारे नीचे नीचे का फ्लोर पे, ऊपर भी है। अभी जो इतना स्पीड घूम रहा है मतलब ये ड्राई होकर आएगा, ऑलमोस्ट लाइक 90% ड्राई होकर आएगा कपड़ा, थोड़ा बस हवा लगने में थोड़ा धूप लगने में सूख जाएगा ये, इसलिए इतना स्पीड घुमा रहा है, अब ऑलमोस्ट ड्राई होगा, 10% वेट रहेगा मतलब। तो आज के लिए इतना ही था, शॉर्ट वीडियो होगा आज, आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, टिल दैट बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो।